हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताएंगे धान की खेती के बारे में। धान की खेती कैसे की जाती है? धान की खेती अमूमन उत्तर प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल है और ये खरीफ में उगाई जाती है। इसकी खेती में दो तरीके से की जाती है। एक तो डायरेक्ट बीज बोया जाता है खेत में और दूसरे नर्सरी में इसके प्लांट तैयार करके, पौध तैयार करके इसकी रोपाई की जाती है। तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें बीज का चयन करना होता है। बीज हमारा अच्छा होगा तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, बीज हमारा खराब होगा तो हमारा उत्पादन खराब होगा। बीज में ही, बीज के लिए मैं समझता हूँ जो आपके नज़दीक रिसोर्सेस हैं, दुकानें हैं, सरकारी दुकान या प्राइवेट दुकान, मार्केट, जान पहचान की दुकान से लें ताकि वो आपको ख़राब बीज न दें। कभी कभी मार्केट में अनजान दुकान से लेने पर वो ख़राब बीज दे देते हैं जो जमता नहीं। दूसरी चीज़ ये कि बीज का जर्मिनेशन टेस्ट ज़रूर कर लें। बीज ले आवें, बोरे में से, बोरा खोलने से पहले ही उसमें से 100 दाना या 50 दाना निकाल करके गीली ज़मीन पर या गीले टाट पर रख दें और 3-4 दिन के बाद उसमें से अंकुर निकल आएंगे। और जब अंकुर निकल आएंगे तो उसको आप गिन लें। अगर 100 में 80 दाना जमा है तब तो हमारा बीज सही है, नहीं जमा है तो सही बीज सही नहीं है, उसको हम वापस कर दें या धो करके उसे और काम में ले लें, उसको बो महीने फिर दूसरा बीज ले आवें। तीसरी चीज़ की उसका उपचार कर लें। उपचारित करने के लिए बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि लग जाने पर फिर ठीक नहीं होती। जैसे धान में कंडुआ लग जाता है, फॉल्स स्मट, कहीं कहीं उसका लोकल नाम लेढ़ा होता है, पीले रंग का होता है, हरी हरा हरा उसमें पाउडर बन जाता है। तो या और बीमारी लग जाती है, फंगा और बैक्टीरियल बीमारी, झुलसा वगैरह, और ये आपका रस्ट गेहूं में लग जाता है जैसे गेहूं में कंडुआ। इन सब के लिए उपचार जरूरी है। अरहर के लिए भी उपचारित कर लें। उपचारित करके ही बीज बोएं। धान को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम, थीरम, बोबेस्टीन या और कोई भी दवा जो मिल जाए आपको उससे आप उपचारित कर सकते हैं। 2.5-3 ग्राम ये रसायन 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। उस हिसाब से आप उपचारित कर लें। तो उपचारित करने के बाद फिर हमारा ये धान, हमारा ये बीज, हमारे इस बीज में रोग लगने की संभावना कम रख जाती है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा बीज लें कि जिसमें कंडुआ न लगता हो, फॉल्स स्मट न लगता हो। बहुत से ऐसे भी वेराइटियाँ हैं जिसमें फॉल्स स्मट लग जाता है। तो आप ले करके, आप उनसे पूछ करके अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से या सीड स्टोर से, इंचार्ज से या कृषि विभाग से आप पूछ करके कि इस जो वेराइटी आपको मिल रही है उसमें कंडुआ लगता है कि नहीं लगता है, तो उस वेराइटी को आप लें या उसको बोएं। वेराइटी में सबसे अच्छी वेराइटी आजकल जो किसान पसंद कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक को निकाला है, असिंचित दशा के लिए। असिंचित दशा में नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, बरानी दीप, शुष्क सम्राट, नरेंद्र लालमणि, ये वेराइटियाँ हैं। और भी वेराइटियाँ हैं जो आपको मिल जाएं, उपलब्ध हों असिंचित दशा में। नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, बरानी दीप, शुष्क सम्राट, नरेंद्र लालमणि, ये तो आपके असिंचित दशा में है जहाँ की पानी का साधन नहीं है, पानी कम है, बरसात के पानी पर निर्भर है हमारी खेती। वहाँ पर हम इसे बीज को नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, बरानी दीप, शुष्क सम्राट, नरेंद्र लालमणि, इसको बो सकते हैं। जहाँ हमें पानी की सुविधा है सिंचित दशा में, ऐसी दशा में जल्दी पकने वाली किस्मों में पूसा 169, ध्यान से सुने, तवज्जो दें, जहाँ पानी का साधन है
इसमें जल्दी पकने वाली वैरायटियों में पूसा 169, नरेंद्र 80, धान पंत धान 12, मालवी धान 3022, नरेंद्र धान 2065 और मध्यम पकने वाली मध्य में पकने वाली वैरायटी पंत धान 10, पंत धान 4, सरजू 52, नरेंद्र 359, नरेंद्र 2064, नरेंद्र धान 2064, पूसा 44, PNR 381। ये आपकी हैं जो कि मध्यम में पकती हैं। और उसरीली भूमि के लिए भी कुछ वैरायटियां हैं जिनका खेत ऊसर है, ऐसे भूमि में नरेंद्र ऊसर धान 3, नाम ही है नरेंद्र ऊसर धान 3, नरेंद्र धान 5050, नरेंद्र ऊसर धान 2008, नरेंद्र ऊसर धान 2009। नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या के वैज्ञानिकों ने ऊसर धान के लिए वैरायटियां निकाली हैं जिनका नाम रखा है नरेंद्र ऊसर धान 3, नरेंद्र धान 5050, नरेंद्र ऊसर धान 2008, नरेंद्र ऊसर धान 2009। ये वैरायटियां हैं जिनको हमने बताया आपको कि असिंचित दशा में 100 असिंचित दशा में और सिंचित दशा में और उसरूली भूमि के लिए धान की वैरायटियां ये हम बो सकते हैं। बीज का शोधन जब कर देंगे हम तो ये वैरायटियां अगर हम मिल गई तो ठीक है, नहीं अपने साधन से जो भी वैरायटी उपलब्ध है उसे वैरायटियां बहुत सी हैं निकाली है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसमें कि आप जो भी मिल जाए, वहाँ प्राइवेट कंपनियों ने भी बनाई है, जो भी आपको मिल जाए तो भी वैरायटी आप बो सकते हैं और उससे पैदावार ज़्यादा होगी। वैरायटी बोने से पहले, बीज बोने से पहले ही आप जहाँ से ले रहे हैं उनसे आप पूछ लीजिए बीज शोधन किया गया है कि नहीं। नहीं किया गया है तो सबसे पहले आप 10 लीटर पानी लें, उसमें एक किलो 600 ग्राम खड़ा नमक मिला दें और इसमें एक अंडा डाल दें, फिर उसी में एक आलू डाल दें अंडा के बराबर, और एक अंडा या आलू घोल जब तैरने लगे, जब अंडा या आलू तैरने लगे तो समझिए कि घोल तैयार हो गया है। 10 लीटर पानी में 1 किलो 600 ग्राम नमक डाल दें, घोल जाए खूब पूरा, उसमें एक अंडा या उसी के बराबर आलू डाल दें उसी वजन का, जब अंडा या आलू घोल में तैरने लगे तो समझिए घोल तैयार हो गया है। अगर अंडा या आलू डूब जाता है तो पानी में आलू डाल करके घोलें जब तक कि अंडा या आलू तैरने न लगे, और नमक डाल करके घोलें साली, और नमक डाल करके घोलें जब तक कि अंडा या आलू तैरने लगे, तब जाकर के घोल में बीज शोधित करने के लिए तैयार हो गया है। या 2% नमक का घोल से आप तय कर सकते हैं, 2% से 5% तक का नमक, माने कि 1 लीटर पानी में 20 ग्राम या 50 ग्राम नमक आप डाल करके आप उसको उसमें धान का बीज डाल दें, जो धान का बीज तैरने लगता है उस बीज को आप छान लें और बाकी बीज को साफ पानी से धो करके पानी से धो करके अब उसमें फिर रसायन से उपचारित करें। रसायन से उपचारित करने के लिए 1 किलो बीज के लिए 3 किलो बेबेस्टीन या थीरम या कार्बेंडाजिम, इनका हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसे पाउडर को उस पर छिड़क करके उसमें मिलाकर घोल बीज में मिला करके और साय में सुखा दें। बीज को उपचारित करके गीले पोरे पर लपेट करके ठंडे कमरे में रख दें और उसको अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी से सींचते रहें और 2-3 दिन में उसमें अंकुरण निकल आएंगे और देखें कि वो पानी जम रहा है और बीज जम गया है तो उसमें थोड़ा सा गिन लें। अच्छा, बीज को अंकुरित करके ही बोएं,
अगर आपको नर्सरी डालना है या वो करना है तो बीज को अंकुरण कर लें। जितना बीज आपको बोना है, जैसे एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर के लिए जैसी आपकी है, जिस विधि से आप बोते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन सी विधि में कितना बीज लगता है। करीब अगर हम नर्सरी डाल करके धान की रोपाई करते हैं तो ऐसा अंदाज लगाया गया है कि 30 किलो बीज, महीन बीज 30 किलो, मोटा मध्यम 35 किलो और मोटा 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है, इतना नर्सरी डालना चाहिए। तो इतना जितना आपको नर्सरी डालना है, ऐसे बीज को पानी में भिगो करके एक कमरे में रख दें, उसके ऊपर बोरा डाल दें और उसमें पानी से उसको तर करते रहें। 48 घंटे में बोरे को खोल के देखें, बीज अंकुरित हो जाता है, फिर उसको हम खेत नर्सरी में या डायरेक्ट खेत में या पैडी सीडर से इसको हम बो सकते हैं, या ड्रम सीडर से या जीरो टिल से या छिटकुमा जैसा चाहे हम उसे बो सकते हैं। एक हेक्टेयर खेत के लिए 25-30 किलो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, या 25-30 किलो PSB जैव उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। इन उर्वरकों से की उपस्थिति में जीव और रासायनिक उर्वरक से क्रमशः नाइट्रोजन और पोटाश तत्व धान के पौधे को अच्छे ढंग से पहुंचते रहेंगे। बीज को खेत में तैयार करते समय खेत को तैयार करके छोटी छोटी क्यारियां बना करके पानी उसमें लगा करके, पानी उसमें रहे करीब 2.5 इंच पानी बराबर रहे उसमें, और शाम के वक्त बीज को हम छिड़काव कर देते हैं। इससे इस नर्सरी में छिड़काव कर देते हैं। इसमें भी हमें वो प्रति हेक्टेयर 150 किलो एक किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटास की इस हिसाब से हमें डालना चाहिए। एक हेक्टेयर खेत के लिए हमें 1/20, जितना हमें खेत की रोपाई करना है उसका 1/20 हिस्सा हमें रोपाई करना चाहिए। एक हेक्टेयर खेत के लिए, एक हेक्टेयर में आप जानते हैं कि 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के लिए 10,000 वर्ग मीटर का 1/20 500 वर्ग मीटर में आपको नर्सरी डालनी है। ऐसी नर्सरी डाल देंगे तो हमारी ये नर्सरी 25-30 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी हम रोपाई कर देते हैं। इसके बाद मैं फिर दूसरी वीडियो में आगे की इसकी क्रिया बताऊंगा धान के बारे में। आप हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और इसके खेती के बारे में जो भी हमसे जानकारी चाहें कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।